नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका, दर्जनों लोगों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति ने की घटना की निंदा। कनाडा सरकार का बड़ा झटका, टूरिस्ट वीजा पर गए पंजाबियों को छोड़ना होगा देश। 4,50,000 पंजाबियों को बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड ने आज अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में किया प्रवेश। पीएम मोदी का वीडियो संदेश जारी, शुभकामनाएं देने के साथ 9 नवंबर पर किए नौ आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन में बड़ा धमाका हो गया और इस धमाके में 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची हुई है और मामले की जांच जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में हाल ही में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहां अलगाववादी विद्रोह भी बढ़ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बलूच ने बताया कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के अंदर उस समय हुआ जब पेशावर जाने वाली एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाली थी। धमाके की सूचना पर पुलिस और बचाव कर्मी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए। इसके अलावा क्वेटा के सिविल अस्पताल में आपातकाल लागू कर दिया गया। वहीं अतिरिक्त डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों को घायलों के इलाज के लिए बुला लिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति सैयद यूसुफ रजा मिलानी ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मानवता के दुश्मन है। और वहीं बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। 2023 में कनाडा ने 12 लाख भारतीयों को टूरिस्ट वीजा जारी किया था, जिनमें से 60% पंजाबी थे। आमतौर पर कनाडा 6 महीने का टूरिस्ट वीजा जारी करता है, लेकिन कुछ मामलों में आवेदक के पासपोर्ट की लंबी अवधि और इमिग्रेशन अधिकारी के विवेक के आधार पर यह 10 साल का भी हो सकता है। 10 साल के वीजा की शर्त होती है कि व्यक्ति को हर 6 महीने में एक बार वापिस आना होगा। नए नियमों के तहत अब केवल 1 महीने का विजिटर वीजा जारी किया जाएगा। इस बदलाव के बाद कनाडा में रहने वाले 4.5 लाख पंजाबियों को या तो नया वीजा लेना होगा या कनाडा छोड़ना पड़ेगा। कनाडा में लगभग 4,50,000 पंजाबी टूरिस्ट वीजा पर रह रहे हैं। नए नियमों के चलते उन्हें अब कनाडा छोड़ना पड़ सकता है। कनाडा सरकार ने इस बदलाव से उन परिवारों पर असर डाला है जो अक्सर लंबे समय के लिए कनाडा जाते थे। 28 अगस्त से कनाडा ने विजिटर वीजा पर वर्क परमिट की सुविधा भी बंद कर दी है। इससे पंजाब से पढ़ने के लिए जाने वाले 1.5 लाख छात्रों के माता पिता पर भी असर पड़ेगा, जो अक्सर 6 महीने तक बच्चों के साथ रहते थे। अब उन्हें केवल 1 महीने की ही अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती में प्रवेश करने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने कहा कि मैंने बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरा ये विश्वास अडिग है और सरकार इसे साकार कर रही है। उत्तराखंड राज्य ने आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लिया है। राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने आज 9 नवंबर को नौ आग्रह भी किए। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बनी है। यूसीसी नकल विरोधी कानून से नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। इसका परिणाम है कि अब समय पर भर्तियां हो रही हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड
देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंडवासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी क्रम में चुनाव में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान में 3 चुनावी रैलियों का आयोजन है। गृह मंत्री ने इस दौरान विपक्ष को खूब आड़े हाथों लिया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमशेदपुर में एक रोड शो भी करेंगे। यह रोड शो जुबली पार्क गेट से शुरू होकर भालूबासा चौक पर जाकर समाप्त होगा। रोड शो जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में होगा। बता दें कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड में विश्रामपुर और रामगढ़ में चुनावी सभा करने पहुंचे। आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है। ये इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़ कर मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे कमल फूल की सरकार? ये परिवर्तन केवल इसलिए नहीं करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है। पिछड़े समाज के किए हुए अन्याय का हमने बदला चुकाना है। इसलिए नहीं करना है, ये परिवर्तन करना है। हमारे झारखंड के युवाओं को बचाने के लिए परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा और नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। युवाएं मुझे बताओ, 25 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? अरे आप कमल फूल की सरकार बना दो, पहले ही साल 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त हो गया है। कल अपने अंतिम कार्य दिवस पर चंद्रचूड़ ने न्यायालय के मन से देश की न्यायिक सेवा को तीर्थ यात्रा जैसा पवित्र कार्य बताया और कहा कि मैं कल से न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। यह विदाई समारोह कई यादगार पलों और विचारशील भावनाओं से भरा हुआ था। भारत के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में उनकी जमकर तारीफ की और उनके योगदान को लेकर भावपूर्ण भाषण दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सीजे चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत को बेहतर बनाने के लिए मिशन पर काम किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीजे चंद्रचूड़ के पद से हटने से सुप्रीम कोर्ट में खालीपन रहेगा और ये खालीपन हमें सोमवार से महसूस होगा। देश के अगले सीजे राज संजीव खन्ना ने कहा कि संवैधानिक पीठ के 38 फैसले जिनमें से 2 आज सुनाए गए हैं, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटेगा।
महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने की मांग संबंधी मामलों में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल उन सिखों के लिए है जो पगड़ी पहनते हैं, उनके अतिरिक्त किसी को भी इससे छूट नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठी महिलाओं के मामले में हुई चलानों का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन हादसों, सड़क सुरक्षा को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी और इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया था कि 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर केवल पगड़ी पहनने वाले सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट का प्रावधान किया था। इतना ही नहीं, 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी दो पहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने केंद्र को एक मसौदा तैयार करने की सिफारिश की है। इसके अलावा महिलाओं को हेलमेट पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। केवल पगड़ी पहनने वाले लोगों को इसमें छूट दी गई है। पिछले कुछ महीनों से बमियाल सेक्टर के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान से भारत में ड्रोन घुसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके चलते हाल ही में कुछ दिन पहले बमियाल सेक्टर के अंतर्गत आने वाले गांव फरवाल के एक किसान को अपने खेत में एक पाकिस्तानी ड्रोन मिला था, लेकिन पाकिस्तानी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इसे पंजाब में ड्रोन फेंकने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी हर बार उनकी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। इसी तरह एक बार फिर सीमा क्षेत्र के पास सरहद से कुछ ही दूरी पर एक ड्रोन की गतिविधि की खबर आई है। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना ताशपत्तन और पहाड़ीपुर गांव के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद बीएसएफ जवानों को पता चला कि यह एक ड्रोन है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के बटालियन 121 के जवानों ने उस ड्रोन पर 2 इल्यूस्टेटस फायर किए और इसके साथ रोशनी की जा सकती थी और उसके बाद करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। इसके बाद जिला पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने रात भर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और अब तक कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मामले में छानबीन कर रही हैं और गहनता से जांच जारी है। बिहार के नालंदा जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 300 रुपए के लिए एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव की है। मृतक की पहचान अजयपुर गांव निवासी स्वर्गीय बिलेट मिस्त्री के पुत्र सदन मिस्त्री के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सदन मिस्त्री के गांव के ही संतोष यादव से 300 रुपए का लेन देन था। बकाया रुपए मांगने संतोष यादव और उसके सहयोगी नशे की हालत में सदन मिस्त्री के घर के पास पहुंचे और बकाया लेने की जिद पर अड़ गए। इस बीच संतोष यादव ने अपने सहयोगियों के साथ सदन मिस्त्री के ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया और इस घटना में परिवार के आधा दर्जन सदस्य भी जख्मी हो गए। वहीं इसके बाद सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने सदन मिस्त्री को मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू हो गई है और इस मामले में नूरसराय थानाध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।